तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, तेरे दर पे आके लाइन तो बाद में गवाही, बात पहले करवा दी, भगवान का श्रृंगार कर दिया, सब काम कर दिया, छप्पन भोग भी खरीद लाए, आजकल सब बिकता है, हर चीज बिकती है, सही है ना, श्रृंगार के लिए पता नहीं कहां कहां से बुला लिया मामला, ये जमाने की चलगत, दुखी क्यों है इंसान, उसको पता ही नहीं भक्ति भाव का मरम क्या है, सच बता रहा हूं, इसमें से एक फूल भी जिसके हाथ में जो भी लेके जाएगा ना, सच बता रहा हूं, उसको श्रद्धा से गजानन गणेश जी महाराज के इस फूल को ले जाकर अपने घर में पवित्र जगह पे रख देगा, गणेश जी उसके घर में पधार जाएंगे, और हर महीने मौका देते हैं आपके लिए, तो दो बार देते हैं अब तो सूरत में भी, आप बड़े बड़भागी हो जो जिंदगी का ये तरीका सीख लिया, लेकिन जमाने की चल गत बड़ी बेतुकी है, जमाने की चल गत बड़ी बेतुकी है, जिधर देखता हूँ सारी दुनिया दुखी है, जिधर देखता हूँ सारी दुनिया दुखी है, इतने दुखों में भी मैं कैसे सुखी हूँ, कैसे मैं सुखी हूँ, इतने दुखों में भी मैं कैसे सुखी हूँ, इतने दुखों में भी मैं कैसे सुखी हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, ये तू जानता है या मैं जानता हूँ, दुख हर के जीवन में आते हैं, ऐसा नहीं है गणेश के चरणों में बैठते हैं तो दुख नहीं आएगा, ये गतई मत सोचना, क्योंकि भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि माला ही जपते रहो, कर्म भी करो, लेकिन कर्म करो वो जिससे सही लक्ष्मी घर में आए, सही बात है ना, कर्म वो करो जिससे सही लक्ष्मी घर में आए, लक्ष्मी बहुत फैल रही है, बहुत है लक्ष्मी लोगों के पास में, इतनी है गिन भी नहीं पाएंगे, लेकिन सही लक्ष्मी के लिए उससे पूछ लोगे कि सही लक्ष्मी कितनी है तो कन्फ्यूज हो जाएगा, वो हिसाब नहीं लगा पाएगा, यार भाई साहब अहिया तो इतनो माल पड़े थे, लेकिन अब सही कही बताऊं, अरे सही बताने में क्या जा रहा है, सही तो सही है ना, लेकिन नहीं बता पाएगा, इसलिए ये गणेश जी हमको जो संदेश देते हैं, कोई भी दुख हो आपका इस दरबार में बोल दीजिए, बस इतना ही कहना है, गजानन सरकार दुखी तो हम हैं लेकिन, और आपके भाव ये तू जानता है या मैं जानता,
ये तू जानता है या मैं जानता। बीच में कोई दलाल ना रखिए, ये जो दलाली है ना, दलाली होती गड़बड़ है, क्योंकि जो बीच में दलाल होता है उस पर विश्वास दोनों पार्टियां बहुत ज्यादा कर लेती है, इतना कर लेती है कि कर्म तो रह जाता साइड में और वही वो हो जाता है। सही बात है अंकल जी, यहाँ पे दलाली भी है क्या, दिखती है कोई दलाली? मैं कह रहा हूं सिर्फ अपनी बात इन तक बोलिए, किसी से मत बोलिए, यहाँ कोई भी नहीं है। इस दरबार की विशेषताएं भी बताते जा रहा हूं, अपने आप दिल से बोल दीजिए। ये तू जानता है या मैं जानता, ये तू जानता है या मैं जानता, चेहरे तो चेहरा लगाए सभी यहाँ, चेहरे पे चेहरा सभी है लगाए, चेहरे पे चेहरा, कितनी बड़ी बात है, चेहरे पे भी चेहरा यानी मुखौटा, असली चेहरा पीछे भैया, मुखौटे पे मत जाना, आजकल ब्लैक से व्हाइट भी हो जाता है। मैं देख रहे हो एक बार यूट्यूब पे देख रहा था, उस पे ऐसे आते हैं कई ब्लैक रंग का कोई व्यक्ति है, वो गोरा हो जाता है, गोरे रंग को ब्लैक है ना, तो ये भी हो सकता है, ये मुखौटा लग सकता है, लेकिन उसके संस्कार उसके भाव वो उसका असली धन है। ये रंग रूप असली धन नहीं है, सफेद काला कुछ नहीं है भैया। चेहरे पे चेहरा सभी है लगाए, चेहरे पे चेहरा सभी है लगाए, चोट गैरों से ज्यादा अपनों से खाए, चोट गैरों से ज्यादा अपनों से खाए, मुझे किससे कितना कैसा गिला है, मुझे किससे कैसा इसवा गिला है, ये तू मैं जानता, ये तू मैं जानता। और अनिल भैया आपके भाव कैसे हैं, ताली बजाओ मेरी टीम को। जब तुम सा हो माधी काहे को फिकर मैं करूं, जब तुम सा हो दानी काहे में फिकर मैं करूं, तुम रहते हो देवा तो तूफानों से डरो, जब तुझ सा हो माधी काहे में फिकर मैं करूं, तेरे रहते गणराज जो तूफानों से डरो, ओ गणपति 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 ओ गणपति। संसार है तेरा, मेरे
उपकार है तेरा, मेरा जीवन है खुशहाल बड़ा उपकार है तेरा, तेरा ही सहारा मुझको तेरा ही आधार था, तेरा ही आधार था, आज भी और कल भी रहेगा, आज भी है और कल भी रहेगा, आज भी है और परिवार मेरा, परिवार मेरा तेरे हवाले गिल्ले वाले, ओ गिल्ले वाले, गिल्ले वाले, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, बोलिए, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, प्रेम तुमसे किया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, लोग कहते हैं के मैं तो हूँ खुश नसीब, लोग कहते थे मैं तो हूँ खुश नसीब, गणेश प्रेमी हूँ मैं गणेश मेरे करीब, गणेश प्रेमी हूँ मैं गणेश मेरे करीब, दिल तुमको दिया तो गलत क्या किया, दिल तुमको दिया तो गलत क्या किया, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरियाल, और देखिए ये जो लेने देने का मामला है ना, इसको तो कर दीजिए साइड में, क्योंकि सच बता रहा हूं मैं, यहाँ पे कोई चीज मांगता भी हूं ना तो उसमें मेरा ही नहीं हो रहा होता काम, सबके साथ में, ओ मेरी नैया, एक मिनट आओ आप बात कर लो पूरी, ये जो बात है ना, इस बात में ये बात है कि गणेश जी ये भी नहीं कहते कि तू स्वार्थी बन जा, गणेश जी ये कहते हैं, सुनिएगा बात, गणेश जी ये कहते हैं, मैं बार बार क्यों कहता हूं कहते हैं, आप सोचेंगे क्या मुझे कह के जाते हैं, ये भी बात कहते हैं, लो ठप्पो लाको कहते हैं, आप नहीं मना कर सकते भैया, कहते हैं गजानन गणेश जी हमेशा यही संदेश देते हैं कि बेटा अपने साथियों को बढ़ाएगा तो तेरी पावर तो वैसे ही बढ़ जाएगी, आपके चार दोस्त हैं, एक तो सोचे मैं बढ़ लूं, बाकी तीन को डाउन रखो, कभी समस्या आ गई ना तो तुम भी डाउन हो गए, क्योंकि समस्या तो तुम पे आएगी तो डाउन हो गए होंगे, और तीनों को पहले से ही बना रखा है ना, तीन को तुमने पहले से बना रखा है, और तुम समस्या खुद पे आएगी तो खुद डाउन होगी, बोल दीजिए ना जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश, इसलिए अच्छा अच्छा अमित भैया क्या बात हो रही है, देखो खुल गई बात है, अपने मित्रों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवार को इतना सबल बना दीजिए कि आपके ऊपर कितनी भी समस्याएं आ जाएं, क्योंकि जब आप पे समस्याएं आएगी तो आप परेशानी में होंगे, लेकिन उनके पास पावर होगी, वो आपको निकाल ले जाएंगे, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, प्रेम में हार का ही अलग है मजा, प्रेम में हार का ही अलग है मजा, कोई समझे खुशी कोई समझे सच,
जान। कोई समझे खुशी, कोई समझे सजा। चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया, चैन भी खो दिया तो गलत क्या किया। जिंदगी मेरी अब तो तेरे काम है गोरीलाल, जिंदगी मेरी अब तो तेरे नाम है गोरीलाल। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन संकट कौन हरे, हो तुम्हारे बिन संकट कौन हरे। बिने संकट कौन है रे, तुम्हारे बिने संकट कौन है रे। हम गरीबों का तू है सहारा, हम गरीबों का तू है सहारा, बिन तेरे अपना कोई हमारा, हो बिन तेरे अपना कोई। जल्दी जल्दी संकट पैदा करो, जल्दी जल्दी संकट पैदा करो। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन संकट कौन हरे, तुम्हारे बिन संकट कौन हरे। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आज बातें कुछ ज्यादा हुई है, लेकिन ये बातें मैंने नहीं करी। भाई साहब ने क्या बोला, सच बता रहा हूँ। किसी भी दरबार में जाएं, कहीं भी जाएं, एक शिक्षा जरूर दें। मैं सबको बोलता भी हूँ, मैं कहीं शाम मंदिर में भी जाता हूँ, सब जगह जाता हूँ, ये बोलता हूँ। देखो माँ का गणेश जी गंडा आवला ना थे कदावला, सबको बोलता रहता हूँ। दूसरी चीज ये बोलता हूँ कि 56 भोग अपने हाथों से बनाए, क्योंकि जो आप खरीद के लाते हैं वो जरूरी नहीं है कि उसने भगवान के लिए बना के रखा हो, उसमें से कई लोगों को टेस्ट भी कराया होता है। बोली सच्चे दरबार की। और जो फूल होते हैं उनके साथ तो बड़ी दुर्दशा होती है भैया, सच बता रहा हूँ। हर जगह नहीं होती, लेकिन 50% तो होती है। आप देख लेते वो फूलों का पता नहीं क्या होता है, और कई जगह पे तो कुछ ज्यादा ही, जिस जगह होता है उस जगह तो बात ही अलग है। इसलिए उन फूलों को, क्योंकि भगवान के चरणों में जो फूल चढ़ गया ना, उस फूल में अपने आप दिव्यता आ गई, उस प्रसाद में अपने आप दिव्यता आ गई। तो वो तामसिक नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए भाव से बना हुआ। आप हाथ से, कर्मा बाई ने क्या किया, अपने पिताजी की बात मानकर खिचड़ा बना के रख दिया और बोले कोना ओलो तो मैं भी कोनी खाऊं। इसे बोलते हैं भक्ति। कौन सा 56 भोग लगाया था उसने, बताओ आप। कोई 56 भोग लेके बैठी थी वो, एक साधारण, बिल्कुल साधारण सी बच्ची थी। उसने भगवान से बोल दिया कि भगवान तू नहीं आएगा जब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। तो भगवान आए, आए कि नहीं आए। नरसी जी ने क्या किया, इतना बड़ा चिट्ठा लेकर के आए थे और ऊपर दिखा दिया सीधा। इतना कॉन्फिडेंस इंसान के अंदर कि देखेगा, देख रहा है वो। आप करके बताओ, आप भगवान की पूजा करते हो, गणेश जी को इस भाव के साथ में एक बार बोल के बताओ। एक बार ये पूरा मान लो, सामने अगर समंदर है ना, सामने समंदर है तो भी आंख मीच करके चल, ठीक है गणेश जी महाराज, ठीक। आपको अगर नैया ला करके वापस ना जगह पे छोड़ दे तो बात अलग। बोलिए सच्चे दरबार की जय। अंकल 2 लाइन और मन में आ रही है। अच्छा